Welcome to CR International School online classes. How are you student? I think everyone is fine there. Take care of yourself, beta. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगा कर रखिए, बार बार हैंड सैनिटाइज और हैंड वॉश कीजिए. ओके बेटा. बेटा क्लास कौन सी है आपकी? क्लास फर्स्ट. और सब्जेक्ट कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम? कौन सा सब्जेक्ट है ये? ईवीएस. कौन सा सब्जेक्ट है ये? ईवीएस. जैसे कि आपको पता है बेटा, ईवीएस में हमारा रिविजन वर्क चल रहा है. कौन से लेसन का आज हम करने जा रहे हैं? लेसन नंबर 4 का. आज मैम आपको लेसन नंबर 4 फिर से समझाएंगे, ठीक है? तो आपने बहुत ध्यान से समझना है लेसन नंबर 4 को, ठीक है? और मैम जहां जहां हार्ड वर्ड की हिंदी लिखवाएंगे, आपने भी लिखनी है. ओके, तो बेटा इसके लिए सब बच्चे ईवीएस की बुक निकालेंगे, लेसन नंबर 4 ओपन करेंगे. पेज नंबर क्या है? 21. ओके, तो ध्यान से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ध्यान से मैम क्या पढ़ा रही उसे समझेंगे और अपनी रीडिंग भी करेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 4. क्या है इस लेसन का नाम? अवर फूड. अवर फूड क्या होता है बेटा? अवर मीन्स हमारा, हमारा. फूड मीन्स भोजन, भोजन हमारा, भोजन हमारा, भोजन, ठीक है, जो कि हम खाते हैं, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. वी ऑल नीड फूड. नीड मीन्स जरूरत, NEED, नीड मीन्स जरूरत. वी ऑल नीड, हम सभी को किस चीज की जरूरत होती है? भोजन की. किस चीज की जरूरत होती है? भोजन की. फूड मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. जो फूड है, जो भोजन है, वो हमें क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत. अंडरलाइन करेंगे स्ट्रॉन्ग को, STRONG, strong. Strong means क्या होता है बेटा? मजबूत. क्या बनाता है? मजबूत. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे नहीं, हमें एनर्जी नहीं होगी, ताकत ही नहीं होगी. एंड हेल्दी, हेल्दी मीन्स स्वस्थ. HEALTHY, हेल्दी. हेल्दी मीन्स स्वस्थ. हेल्दी मीन्स स्वस्थ. जो भोजन है वो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है. इट गिव्स अस एनर्जी टू, ये हमें एनर्जी देता है. एनर्जी मतलब ताकत यानी ऊर्जा. ENERGY, एनर्जी. एनर्जी मीन्स ऊर्जा. एनर्जी मीन्स ऊर्जा. ऊर्जा कौन देता है हमें? फूड यानी भोजन देता है. किस लिए देता है? स्टडी यानी पढ़ने के लिए, प्ले खेलने के लिए, वर्क यानी काम करने के लिए. किस किस के लिए? स्टडी पढ़ने के लिए, प्ले खेलने के लिए और वर्क यानी काम करने के लिए. कौन एनर्जी देता है? फूड देता है. फूड कीप अस अलाइव एंड हेल्प अस ग्रो. अलाइव मीन्स जीवित. अलाइव मीन्स जीवित. फूड कीपर्स, फूड हमें रखता है अलाइव यानी जीवित रखता है. एंड हेल्प अस टू ग्रो. ग्रो मीन्स बढ़ने में, बड़ा होने में. ग्रो मीन्स GROW, ग्रो. ग्रो मीन्स बढ़ना या बढ़ा होना. हमें जिंदा रखने के लिए और हमें बड़ा करने के, हम छोटे होते हैं, हम भोजन खा के यानी खाना खाकर अपने आप को बड़ा करते हैं, होते हैं ना बड़े. ओके, अब ये जो भोजन है बेटा, ये हमें कहां से मिलता है? अब हम ये देखते हैं. फूड फ्रॉम प्लांट्स यानी प्लांट्स मीन्स पौधों से. भोजन हमें कहां से मिलता है? पौधों से मिलता है. वी गेट सम, सम मीन्स कुछ. हम कुछ लेते हैं क्या? ऑफ अवर फूड. फूड मीन्स भोजन. फ्रॉम प्लांट्स यानी पौधों से. किसके द्वारा लेते हैं? पौधों से. प्लांट गिव्स अस, प्लांट जो है, पौधे हैं, हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स यानी फलों को देते हैं. वेजिटेबल्स यानी अलग अलग सब्जियां देते हैं. सीरियस मतलब अनाज देते हैं अलग अलग. नेक्स्ट पल्सेस यानी दालें देते हैं. नेक्स्ट नट्स यानी अलग अलग तरह के मेवे, जो ड्राई फ्रूट बोलते हैं, वो भी हमें देते हैं. और ड्रिंक्स यानी जो पीने के होते हैं, चाय कॉफी वगैरह होगी, ये भी चीजें हमें किससे मिलती हैं?
हमें प्लांट से मिलती हैं। ओके, अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। जो हमें प्लांट से भोजन मिलता है बेटा, तो ये भोजन हमें एनिमल से मिलता है। पर कौन सा भोजन मिलता है हमें एनिमल से, अब ये देखते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स मीन्स जानवर, जानवरों से मिलने वाला भोजन कौन कौन सा होता है। वी गेट डिफरेंट फूड, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, डिफरेंट मीन्स अलग 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 अलग। वी गेट, हम प्राप्त करते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स, आइटम मीन्स वस्तुएं, फ्रॉम एनिमल्स। हम प्राप्त करते हैं अलग अलग तरह की वस्तुएं, किससे, एनिमल्स से, जानवरों से। वी गेट मिल्क, हमें क्या मिलता है, मिल्क यानी दूध, एग्स यानी अंडे, मीट यानी मांस, और फिश मतलब मछली, एंड हनी, हनी मीन्स शहद, HONEY हनी, हनी मीन्स शहद। शहद भी हमें किससे मिलती है, एनिमल से मिलती है, किससे, हनी बी से मिलती है। ओके, हैंस एंड डग्स, जो मुर्गियां और डग्स होते हैं, बतख होते हैं, गिव्स अस एग, ये हमें दोनों क्या देती हैं, एग्स यानी अंडे देती हैं। हैन एंड गोट्स, हैंस मीन्स मुर्गियां, एंड गोट्स गिव्स अस मीट, जो हैन और गोट होती है, बकरियां होती हैं, बकरे होते हैं, वो हमें क्या देते हैं, मांस, क्या देते हैं, मांस देते हैं। वी ईट, हम खाते हैं फिश ऑल्सो, हम मछली भी खाते हैं। हनी बीज गिव्स अस हनी, जो हनी है, शहद है, ये हमें कौन देता है, हनी बीज। हमने पोएम में देखी, इंग्लिश के जो फर्स्ट लेसन है उसमें देखा था, हनी बीज गिव्स अस क्या, हनी। ओके, अब देखिए बेटा नेक्स्ट पिक्चर क्या बनी हुई है, काओ गोट शीप बफेलो गिव्स अस मिल्क, ये हमें मिल्क देते हैं। हैंड डॉग फिश एंड गोट, ये हमें क्या देते हैं, मीट एग्स फिश, ये हमें देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं बेटा ईटिंग टाइम, हमारा खाने का समय क्या होना चाहिए, हमने क्या बेटाइम खाना चाहिए, हमने क्या कुछ भी उठा के खा लेना चाहिए, हमने क्या खाने का सामान कैसे भी रख देना चाहिए, नहीं। तो उसका भी एक टाइम टेबल होता है, एक तरीका होता है, अब उसे सीखते हैं। वी यूजली यानी आमतौर पर ईट 3 meals एवरी डे, हमें आमतौर पर 3 बार भोजन करना चाहिए। दे आर, वे कौन कौन से हैं, पहले तो 8 AM यानी सुबह 8 बजे, क्या, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, सुबह का नाश्ता। फिर 1 बजे यानी 1 PM दोपहर को 1 बजे क्या खाना चाहिए, लंच यानी दोपहर का भोजन खाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, 9 PM यानी रात को 9 बजे क्या करना चाहिए, डिनर यानी रात को क्या, रात का भोजन खाना चाहिए। ठीक है, 3 टाइम हो गया। वी शुड अवॉइड, अवॉइड मीन्स से बचना, AVOID, अवॉइड, अवॉइड मीन्स से बचना, किससे बचना चाहिए, अवॉइड मीन्स से बचना, किससे बचना, जंक फूड। जंक फूड क्या होते हैं, जिससे जिसमें पोषक तत्व नहीं होते, जो कि हमारे शरीर को फायदा नहीं करते। तो ऐसी चीजें सच एज पिज्जा, कौन कौन सी चीजें, पिज्जा, बर्गर, समोसा, नूडल्स, मैगी, ये जो चीजें हैं, ये हमें क्या करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, हैव यू फूड एट फिक्स टाइम, क्या आप सही टाइम पे भोजन लेते हैं, नहीं तो आज से 3 वक्त का भोजन सही टाइम पर लेंगे। ओके, अब देखते हैं गुड फूड हैबिट्स, यानी अच्छी आदतें कौन कौन सी होनी चाहिए। वी शुड लर्न गुड फूड हैबिट्स टू बी हेल्दी, हमें अच्छी आदतों को हमें फॉलो करना चाहिए, किस लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। वी शुड, हमें करना चाहिए क्या, वी वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। ईट स्लोली, आराम से खाना चाहिए। च्यू द फूड वेल, अपने भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए। नॉट ईट, नहीं खाना चाहिए क्या, अनकवर्ड फूड एंड स्टॉल फूड, बिना ढका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए और रेडी पे मिलने वाला सामान नहीं खाना चाहिए। नॉट ओवर ईट और ईट लेस, जरूरत से ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए और जरूरत से कम भी नहीं खाना चाहिए, हमेशा अपने शरीर को जितना मांगा जाता है उतना ही खाना चाहिए। ड्रिंक 6 to 8 glasses वाटर एवरी डे,
डेली 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। ओके तो बेटा मैम ने लेसन नंबर 6, मैम ने कौन सा लेसन पढ़ाया, लेसन नंबर 4। तो आपने इस लेसन की बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है और इस लेसन को बहुत अच्छे से समझना है और सभी बच्चों ने अपनी रीडिंग की वीडियो मैम को सेंड करनी है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा, टेक केयर।